अभी तक आपने अस्त्र मिसाइल की पावर देखी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जलवा देखा, लेकिन अब दुनिया भारत की हाइपरसोनिक ताकत देखेगी। जंग के मैदान में एक ऐसी तबाही लाने वाला हथियार जो धरती से अंतरिक्ष या धरती से धरती के दूसरे हिस्से में सटीक निशाना लगाने का दमखम रखता है। दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक जैसा नाम है उससे 5 गुना ज्यादा तेज ये काम करती है। भारत ने 2 साल पहले हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर परीक्षण किया था। परीक्षण के बाद से ही चीन और पाकिस्तान बौखलाए हुए थे। आप जैसे जैसे हाइपरसोनिक हथियार के बारे में जानेंगे वैसे वैसे आपके होश उड़ जाएंगे। ये आसानी से भागते हुए टारगेट का पीछा कर उस पर हमला करने में सक्षम है। दुनिया के वे कौन से देश हैं जिनके पास हाइपरसोनिक हथियार मौजूद हैं और भारत के पास ऐसे कितने हथियार हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आम भाषा में समझे तो हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेज स्पीड में चलने वाला हथियार। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है, फिर वो चाहे कितनी भी आंख में चोली कर ले, यानी ये पीछा करके अपने टारगेट को ध्वस्त करके ही दम लेता है। हाइपरसोनिक मिसाइल की अगर खासियत की बात करें तो यह ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से काम करती है। हवा में इसकी रफ्तार 6,115 किलोमीटर प्रति घंटे है। समंदर के ऊपर 1,220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। हाइपरसोनिक हथियारों में स्क्रैम जेट इंजन लगा होता है। ये कम ऊंचाई पर भी उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। हाइपरसोनिक को ट्रैक करना और मार गिराना संभव है। अब सवाल है कि हाइपरसोनिक हथियार कितने प्रकार के होते हैं। दरअसल हाइपरसोनिक हथियार 2 तरह के होते हैं, पहला ग्लाइड व्हीकल्स और दूसरा क्रूज मिसाइल। इस समय दुनिया के सभी देशों का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है। इसके पीछे एक छोटी मिसाइल लगाई जाती है, फिर इस मिसाइल को मिसाइल लॉन्चर से छोड़ा जाता है। एक निश्चित दूरी के बाद मिसाइल अलग हो जाती है। उसके बाद ग्लाइड व्हीकल्स आसानी से उड़ते हुए अपने टारगेट पर हमला करती है। हाइपरसोनिक हथियारों में आमतौर पर स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है। ये इंजन हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करके तेजी से उड़ता है। हाइपरसोनिक हथियारों की बात करें तो ये अमेरिका, चीन और रूस के पास इस समय हाइपरसोनिक हथियारों की सबसे अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। भारत के पास हाइपरसोनिक हथियार है या नहीं ये भी जान लीजिए। भारत हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार बना रहा है, उसका परीक्षण भी कर चुका है। डीआरडीओ ने मानव रहित स्क्रैम जेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। इसे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल कहते हैं। भारत के HSTDV के परीक्षण का समय 20 सेकंड से भी कम था। हालांकि इसकी गति तकरीबन 7,500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन भविष्य में इसे घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। इस यान से दुश्मन पर पलक झपकते ही बम बरसाए जा सकते हैं। बता दें, यहां ये जानना भी बेहद अहम है कि फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर कोरिया हाइपरसोनिक हथियार को बनाने में लगा है।